नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश के कुछ शहरों के लिए बारिश बड़ी आफत लेकर आई है। नदियां ऐसी उफानी कि शहरों, कस्बों और कॉलोनियों में घुस आई, कई जगह लोगों को जान के लाले पड़ गए। वहीं बिहार में बाढ़ की स्थिति भयावह बनी हुई है और इसी बीच समस्तीपुर शहर से एक डराने वाली तस्वीर सामने आई है। समस्तीपुर शहर के बीच से गुजरने वाली बूढ़ी गंडक नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है और हालात ऐसे हैं कि शहर के दो हिस्सों को जोड़ने के लिए बनाया गया एक पुराना लोहे का पुल अब बूढ़ी गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण खतरे में। दरअसल समस्तीपुर शहर के दो हिस्सों को जोड़ने वाला लोहे का पुराना पुल लगभग 70 साल पुराना है। जानकारी के अनुसार इस पुल का निर्माण 1951 में किया गया था, मगर अब इस पुल की हालत जर्जर हो चुकी। लोहे का ये पुल पूरे तरीके से जंग खा चुका है और कई जगहों से टूट गया। बूढ़ी गंडक नदी पर बने इस लोहे के पुल को लेकर जो सबसे ज्यादा खतरे की बात है वो ये कि प्रशासन की ओर से इस पुल के इस्तेमाल पर रोक लगाए जाने के बावजूद इस पर रोजाना हजारों लोगों का आना जाना होता है और साथ ही इस पुल पर फल, बर्तन, मसाला और कपड़े की सैकड़ों दुकानें भी लगती है। वहीं बूढ़ी गंडक नदी में बाढ़ का पानी आ जाने से शमशान घाट के साथ कब्रिस्तान और मस्जिद सब डूब गए। इसके कारण शवों के दाह संस्कार और जनाजे को दफन करने की समस्या हो गई। सदियों से अपनी परंपरागत जगहों पर लोग दाह संस्कार करते थे, वहीं जनाजे को अपने पुरखों की कब्र के पास दफन किया करते थे। उनको बाढ़ का पानी आ जाने के कारण अब दूसरे जगहों के शमशान घाट और कब्रिस्तान का सहारा लेना पड़ रहा है। यानी कुल मिलाकर बारिश का कहर जारी है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।